गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, हम लोग पढ़ रहे थे मैटर के बारे में, सॉलिड लिक्विड एंड गैस के बारे में पढ़ चुके हैं कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैसियस स्टेट क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, किसी मैटर का स्टेट चेंज कैसे होता है या मैटर में स्टेट कैसे चेंज होता है। जैसे सॉलिड से लिक्विड में कैसे जाएगा, लिक्विड से सॉलिड कैसे होगा या लिक्विड से गैस कैसे होता है। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय हीटिंग और कूलिंग, किसी भी स्टेट का मैटर जो है वो चेंज कैसे होता है, किसी भी मैटर का स्टेट कैसे चेंज होता है, तो वो होता है हीटिंग या कूलिंग से। अगर हम किसी मैटर को हीट करते हैं, गर्म करते हैं या तो हम किसी को कूल करते हैं, तो क्या होता है उसका स्टेट चेंज होता है मैटर का। मोर सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग, ज्यादातर जो सॉलिड्स होते हैं वो चेंज होते हैं लिक्विड में कैसे, तो हीटिंग से गर्म करके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग, जैसे आइस जो है, आइस को अगर हम लोग रख देते हैं बाहर में तो क्या होता है वो मेल्ट हो जाता है क्योंकि वो हीट के कारण होता है। और लिक्विड चेंज इनटू गैसेस ऑन हीटिंग, और जितने भी लिक्विड्स हैं वो गर्म करने से क्या होता है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है गैस में। जैसे पानी को अगर हम ज्यादा गर्म करते हैं तो क्या होता है उससे स्टीम बन के वो ऊपर चला जाता है, तो वाटर का वो क्या है गैसियस स्टेट है। जैसे सॉलिड स्टेट हुआ वाटर का आइस, और लिक्विड स्टेट में तो वो रहता है ये पानी जो हम लोग पीते हैं, और गैसियस स्टेट में कैसे होता है जब उसको गर्म करते वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सॉलिड से लिक्विड में कैसे हुआ, तो ऑन हीटिंग। आइस को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा लिक्विड में जाएगा, और अगर बॉयल करेंगे तो क्या होगा वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में, गैस में। फिर गैस को कूल करेंगे तो क्या होगा वो लिक्विड में जाएगा, लिक्विड को अगर हम और कूल करेंगे तो क्या होगा वो सॉलिड हो जाएगा, मतलब आइस हो जाएगा। गैस को अगर हम स्टीम को ठंडा करते हैं तो वो क्या होता है वाटर बन जाता है, वाटर से ठंडा करेंगे तो क्या होगा वो आइस बन जाएगा। आइस कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। मोस्ट गैसेस चेंज इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग, ज्यादातर गैस जो है वो ठंडा करने पे क्या होता है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे स्टीम के बारे में बताएं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसन, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, कंडेंसन कहलाती है, इसको हिंदी में कहते हैं वाष्पीकरण। और लिक्विड चेंज इनटू द सॉलिड ऑन कूलिंग, और सभी लिक्विड जो है वो क्या होता है अगर उसको बहुत ज्यादा ठंडा करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे ले जाते हैं तो क्या होता है वो जम जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग, फ्रिज में हम लोग पानी को रखते हैं तो क्या होता है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, इसे फ्रीजिंग कहते हैं। ऑल दिस चेंज आर रिवर्सेबल, ये जितने भी चेंज होते हैं ये क्या रिवर्सेबल है, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड हुआ तो हम लिक्विड से फिर उसको सॉलिड कर सकते हैं, लिक्विड से गैस हुआ तो उसको फिर हम गैस से लिक्विड कर सकते हैं, ये क्या रिवर्सेबल है। जैसे सॉलिड आइस से पानी बनेगा तो फिर पानी से सॉलिड हो सकता है, अगर लिक्विड से हम गैस करेंगे स्टीम करेंगे तो स्टीम से फिर वो लिक्विड बन सकता है, ये आप लोग घर पे करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वाटर साइकिल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वाटर साइकिल बताने के लिए आपको हम कुछ बोर्ड का यूज करना पड़ेगा, उसको अच्छे तरीके से समझाना होगा। थैंक यू।